सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊं, जो मैंने ड्राइवर वाली वीडियो बनाई थी ओमान पे, उस वीडियो को इतना सारा आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। कई लोगों ने कमेंट किया उसी वीडियो पे कि भाई आपने जो भी चीजें बताई सारी ठीक है, ड्राइविंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं हमको, ड्राइवर की कितनी सैलरी मिलती है, बट आप ये बताओ एज अ पर्सनल ड्राइवर अगर हम काम करते हैं बेसिकली ओमान में, तो हमको कितनी सैलरी मिल जाती है पर्सनल ड्राइवर पे, और पर्सनल ड्राइवर के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल ड्राइवर में भी बेसिकली कार ड्राइवर ही आते हैं अधिकतर। जो फैमिली लोग रहते हैं साथ में, अमीर लोग जो रहते हैं वो अपना पर्सनल ड्राइवर रखते हैं मार्केट जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो इन जगहों पे जाने के लिए वो अपना पर्सनल ड्राइवर रखते हैं। खुद ड्राइविंग नहीं कर सकते इसलिए वो लोग ड्राइवर को रखते हैं। तो काफी अच्छा काम है, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है ओमान में। और इसके लिए बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ड्राइविंग के लिए, आपके पास 3 to 5 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि काफी जरूरी है, मीडियम लोग इतना मांगते ही है। ठीक है, आपका क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड हो, ठीक है, आपका मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ओमान के सारे आपको पता होनी चाहिए, ओमान के ड्राइविंग जो रूट्स हैं उस पर आपको 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, जो कि काफी जरूरी है। ठीक है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको जरूरी पड़ता ही है। ठीक है, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको लगता है। और जो मैंने ओमान वाली ड्राइवर वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने वीजा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है बताई हुई है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका क्वालिफिकेशन कॉपी हो गया, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं। तो ड्राइवर वाली वीडियो भी आप जाके देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तभी मैं पूछ रहे थे कई लोग कि भाई सैलरी कितनी मिलती है पर्सनल ड्राइवर पे, ये सब तो साइड में रखते हैं, पहले आप सैलरी बताओ कितने तक हमको सैलरी मिल जाती है। देखो, पर्सनल ड्राइवर पे जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर। देखो, कई लोग जो अमीर लोग होते हैं वो सैलरी अच्छी देते हैं, बट ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल लोग भी ड्राइवर रखते हैं वो भी अच्छी सैलरी देते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं कितना तक आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें, लगभग आपको 200 से लेकर के 250 ओमनी रियाल तक आपको मिनिमम जो सैलरी, नॉर्मल भी आप काम करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अच्छे फैमिली में काम करते हो, अच्छी ड्राइविंग रिकॉर्ड है आप लोग की, आप एकदम प्रोफेशनल ड्राइविंग करते हो, तो लगभग आपको 4500 से लेकर के 500 ओमनी रियाल तक भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा पेमेंट है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप ड्राइवर वाली वीडियो जाके देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय श्री राम।